तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पॉइंट इज नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ रहे थे, हमने कोल के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पेट्रोलियम, जो हमारा नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स है। तो पेट्रोलियम कहाँ से फॉर्म्ड हुआ और किस तरीके से बना? पेट्रोलियम यानी कि पेट्रो मीन्स रॉ, जो इसको डिराइव किया गया है, पेट्रो मीन्स रॉ एंड ओलियम मीन्स ऑयल, यानी कि रॉक से निकलने वाला ऑयल। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज ऑब्टेन्ड बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ, चट्टानों के बीच में मिलता है अर्थ के अंदर। समझ आ गई बात? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है पेट्रोलियम के यूजेस क्या क्या हैं। पेट्रोल इज यूज्ड इन व्हीकल्स, यानी कि लाइट व्हीकल्स ऑटोमोबाइल्स कार्स एंड स्कूटर्स। एंड जो डीजल होता है, डीजल यूज्ड फॉर हैवी व्हीकल्स के में फ्यूल्स के तौर पे किसका यूज होता है? डीजल इज यूज्ड फॉर हैवी व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर्स। इसमें किसका यूज होगा? डीजल का। उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है पेट्रोल एंड डीजल आर नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड पेट्रोलियम। नेचुरल रिसोर्सेज हैं पेट्रोल और डीजल, इसीलिए इनको बोला गया पेट्रोलियम। पेट्रो मतलब रॉक से निकले, रॉक कैसा है? नेचुरल रिसोर्स है, मैनमेड तो नहीं है, नेचुरल रिसोर्स है, तो वहां से जो निकला वो क्या हो जाएगा? नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि पेट्रोलियम। तो पहला हमने पढ़ा व्हाट इज पेट्रोलियम। पेट्रो मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल एंड इट इज ऑब्टेन्ड बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ। कहां से मिला हमें? रॉक्स से मिला। लाइट व्हीकल्स के अंदर यूज होगा, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, कार स्कूटर्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो नेचुरल रिसोर्सेज है डीजल, यूज फॉर हैवी व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर्स। ठीक है, यहां से हमें प्रोड्यूस हुआ, यूज हुआ। अब बात आती है हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड, जो पेट्रोलियम है वो फॉर्म्ड कैसे हुआ, कैसे मिला हमें? जैसे हमने कोक के बारे में पढ़ा था वही प्रोसीजर इसका है, लेकिन दोनों में डिफरेंस लैंड का और सी का है। कि जो पेट्रोलियम है वो कहां से फॉर्म्ड हुआ, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। पेट्रोल इज फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी, जो कहां रहते हैं? सी के अंदर। ठीक है, when these organisms are died, जब ये क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। सो दे सेटल्ड ऑन द बॉटम ऑफ द सी। सी के जो सरफेस है किसका? बॉटम वाला, नॉट टॉप, बॉटम वाला, वहां ये सारे क्या हो जाते हैं? सेट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम क्या लिखोगे? When these organisms are died, they settled in the bottom of the sea. समुद्र का जो नीचे वाला सरफेस है वो वहां पे सेटल डाउन हो जाएंगे। एंड बोट कवर्ड विद द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, और किससे कवर्ड हो जाएंगे? सैंड एंड रेत और क्ले, यानी कि मिट्टी से। एंड बोट कवर्ड विद
सैंड एंड क्ले, सैंड एंड क्ले के अंदर क्या हो जाएंगे, ये कवर्ड हो जाएंगे। आफ्टर मिलियन ईयर्स, जब बहुत सारे मिलियन ईयर्स चले जाएंगे, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर वहां पे क्या हो रही है, एब्सेंस हो रही है, तो वहां क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, जिसकी वजह से वो जितने भी डाइड ऑर्गेनिजम्स हैं कन्वर्टेड इनटू पेट्रोल, यानी कि ट्रांसफॉर्म्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो यहां तुम लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर मिलियन ईयर्स, ये तो लिख लेना अपने आप, यहां लिखोगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर द डाइड ऑर्गेनिजम्स transformed into petroleum and natural gas किसमें convert हो जाएंगे, petroleum में और natural gas में। ठीक है, हमने पढ़ा petroleum का जो formation है वो कहां से हुआ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स सी के अंदर रहते हैं, लिविंग करते हैं सी के अंदर, समुद्र के अंदर, जब वो डाइड हो जाते हैं, द ऑर्गेनिजम्स आर डाइड, दे सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी, जो सी की जो बॉटम है वो वहां सारे वहां सेटल्ड हो जाएंगे, एंड कवर्ड विद ए लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, सैंड एंड क्ले की लेयर से वहां कवर्ड हो जाएंगे। आफ्टर मिलियन ईयर्स इन द एब्सेंस ऑफ लेयर अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर द डाइड ऑर्गेनिज्म कन्वर्टेड इंटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो जितने भी डाइड ऑर्गेनिज्म थे जो सी के नीचे क्या हो गए थे, सेटल डाउन हो गए थे, वो सारे आफ्टर मिलियन ईयर्स किसने कन्वर्ट हो जाएंगे, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। समझ आ गई, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज अबाउट दैट ऑफ द वॉटर। तो जब वो लिविंग जब वो ऑर्गेनिजम्स डाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट होगा, तो वो वाटर के सरफेस पे यानी कि अबो लेवल पे आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे खुद, क्योंकि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज लाइटर देन वाटर एंड डोंट मिक्स इट, कांट मिक्स इट, और उसके अंदर मिक्स नहीं हो सकते किसके, वाटर के। ठीक है, तो वाटर के अबो लेवल पे आ जाएंगे। तो यहां तुम लिख सकते हो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अबव दैट द वॉटर, बिकॉज दे आर लाइटर देन वॉटर, क्योंकि ये पानी से क्या होते हैं, हल्के होते हैं। तो जितना भी पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस होंगी वो लाइटर देन वाटर होती हैं, इसी रीजन से वो पानी के अबव लेवल पे आ जाती है और मिक्स नहीं होती उसके अंदर। समझ आ गई बात, पेट्रोलियम हमारा देखो, कोल हमारा कहां से निकला था, जब ऑर्गेनिजम्स क्या, जब फॉरेस्ट क्या हो गए, ब्यूरिड इन द सॉइल, सॉइल के अंदर दब गए, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल प्रोसेस जब हुआ, तो जब वो दब गए वहां पे, उनसे हमें कोल मिला। लेकिन जब ऑर्गेनिजम्स सी के अंदर डाइड हो गए, तो डाइड ऑर्गेनिजम्स आफ्टर मिलियन ईयर्स कन्वर्टेड इंटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, एंड नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आर अबव ऑन द वॉटर बिकॉज दे आर लाइटर देन वॉटर, क्योंकि वो वॉटर से हल्के होते हैं, एंड डू नॉट मिक्स इट, और उसके अंदर वो मिक्स नहीं होते, ना हम उनको कर सकते हैं, इसीलिए वॉटर के सरफेस पे आ जाते हैं। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट बारी आती है कि रिफाइनिंग कैसे की जाती है पेट्रोलियम की। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, रिफाइनिंग मतलब उसको क्लियर कैसे किया जाता है, सेपरेट।
पेट्रोलियम इज द डार्क कलर. पेट्रोलियम का कैसा कलर होता है? डार्क लिक्विड. इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑर्डर. ऑर्डर भी उसका यानी कि टेस्ट कैसा होता है, स्मेल कैसी होती है, अनप्लीजेंट जो असहनीय होती है. ठीक है, उसके बाद एक चीज, मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स है. ये किस किस का मिक्सचर होता है? पेट्रोल का, डीजल का, लुब्रिकेटिंग ऑयल का, पैराफिन वैक्स का, इन सारी चीजों का ये क्या होता है? मिक्सचर होता है. तो सेपरेट करना इस सारे मिक्सचर से, उसको सेपरेट करना इज कॉल्ड रिफाइनिंग. ठीक है, अब तुम यहां क्या लिखोगे थ्योरेटिकल? पेट्रोल इज डार्क कलर, डार्क कलर्ड एंड इट्स ऑर्डर इज अनप्लीजेंट. वो ऑर्डर में कैसे होते हैं? अनप्लीजेंट होते हैं. डार्क ऑयली लिक्विड लिख लेना, यहां पे लिक्विड फॉर्म में होता है ना, डार्क ऑयली लिक्विड. And its order is unpleasant. It is a mixture of various constituents. It is the mixture of various constituents like petrol, diesel, lubricating oil. एंड वैक्स ईटीसी, इन सब का क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं. सेपरेट आउट फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूएंट, सेपरेट आउट फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूएंट या फ्रैक्शन, TUENT, या फिर फ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोल. उसको क्या बोला जाएगा? पेट्रोल की रिफाइनिंग. एंड इट इज गार्डेड आउट इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी. रिफाइनरीज बनी होती है ना स्पेशली, तो इट इज गार्डेड आउट. और ये तो है नहीं कि ये हर जगह प्रिपेयर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. इनकी रिफाइनिंग जहां होती है उनको पेट्रोलियम रिफाइनरी बोला जाता है. गार्डेड आउट इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी. अंडरस्टूड? रिफाइनिंग का मतलब क्या है? उसको क्लीन करना, अलग करना किससे? अदर कॉन्स्टिट्यूएंट जो उसके अंदर एड है. डीजल हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, वैक्स हो गई, और जितनी भी गैसेस होती हैं वो सारी उसके अंदर इंक्लूड होती हैं. उनसे उनको सेपरेट आउट कर देना इज कॉल्ड रिफाइनिंग. एंड इट इज कैरिड आउट इन द रिफाइनरी. पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर वो वहां से सेपरेट होती है. ठीक है, अब इसने बोला किसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं? मिक्सचर होता है मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट का. ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है हमने पेट्रोल से तो अलग कर दिए, लेकिन उनका अलग अलग यूज क्या है वो देखते हैं. फर्स्ट हमारा आया इसके अंदर एलपीजी. एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो लिक्विड फॉर्म में होती है. यूज्ड एज फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज, इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज. अब उसके बाद बारी आती है पेट्रोल. पेट्रोल का यूज सबको पता है. जितने भी लाइट के वो क्या होते हैं? व्हीकल्स होते हैं. कार हो गई, व्हीकल्स लिख देती हूँ, जैसे कार हो गई, स्कूटर हो गया. डीजल किसके लिए यूज होगा? हैवी व्हीकल्स के लिए, हैवी व्हीकल्स के लिए. ठीक है, उसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल कहाँ यूज होगा? लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन में, लुब्रिकेशन में. ठीक है, उसके बाद पैराफिन वैक्स होती है. पैराफिन वैक्स, ये सारे ऑइंटमेंट या फिर वैसलीन वगैरह में इनका यूज होता है.
तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट अपनी टेक्स्ट बुक में टेबल दी गई है, अगर यूजेस तुमसे पूछ लिए जाए तो वो फुल फॉर्म ऑफ द एलपीजी इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो हमें पेट्रोलियम को प्रिपेयर करते टाइम मिले, उनको सेपरेट आउट करके उनका भी क्या होता है अलग अलग यूजेस होता है। अब बात करते हैं एक थर्ड नेचुरल रिसोर्स जो हमारा आया है नेचुरल गैस के बारे में। Our next point is a next natural resource is natural gas. Third हमारा first हमने पढ़ा था coal, उसके बाद next petroleum, उनकी formation कैसे हुआ, वो कहाँ से मिले, किस कलर के हैं, constituents क्या होते हैं। अब बात करते हैं natural gas की। Natural gas is very important fossil fuel. Natural gas is very important fossil fuel. Why? Because it is easy. ये किस लिए इजी होता है? CNG मतलब ये natural gas. It is easy to transport. ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना इसको क्या होता है? इजी होता है। और यूज किस में होता है? इट इज स्टोर्ड एज अंडर प्रेशर। स्टोर कैसे होती है? अंडर प्रेशर। इट इज स्टोर्ड अंडर प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी कि CNG जिसको तुम बोलते हो, ठीक है, किसमें यूज होता है? प्रेशर में डलता है, प्रेशर में स्टोर होता है CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यूज इसका कहाँ कहाँ होता है? यूजेस एट पावर जनरेशन, जितने भी पावर जनरेशन है वहां इनका यूज होता है। यूज्ड एज फ्यूल इन ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट है हमारा उसके अंदर एज ए फ्यूल इसका यूज होता है। इट इज लेस पोल्यूटिंग, जो पोल्यूशन है, तभी तो सबको बोला जाता है जितनी भी नई गाड़ियां आती हैं CNG वगैरह, तो वो क्या होते हैं? लेस पोल्यूटिंग, पोल्यूशन क्या करती हैं? बहुत कम करती हैं। समझ आ गई बात। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। फॉर बर्निंग कहाँ इसका यूज होता है? फॉर बर्निंग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, फॉर बर्निंग एट होम्स एंड फैक्ट्रीज। समझ आ गई बात। अब जो इसके नेटवर्क है वो बड़ोदरा और इंडिया के अंदर महाराष्ट्र हो गया, त्रिपुरा हो गया और राजस्थान वगैरह हो गई, यही इसकी क्या सारे स्टेशन है जहां CNG है। देखो हमने पढ़ा नेचुरल गैस के बारे में, नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, क्यों है? बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट करना बड़ा इजी होता है थ्रू पाइप्स, ठीक है। इट इज स्टोर्ड अंडर प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये अंडर प्रेशर स्टोर होती है एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसीलिए इसको CNG बोला गया। CNG इज नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यूजेस कहा? पावर जनरेशन। यूज दस फ्यूल इन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में डलवाते हैं ना गाड़ियों में CNG। लेस पोल्यूटिंग है, इसीलिए गवर्नमेंट भी CNG डलवाने के लिए प्रेफरेंस देती है। फॉर बर्निंग एट होम्स एंड फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज और घरों में बर्निंग के लिए इसका यूज होता है। और जो इसके नेटवर्क है वो बड़ोदरा के अंदर है, गुजरात के अंदर। समझ आ गई बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सम रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमने बात की थी ना चैप्टर की शुरुआत में, एग्जॉस्टिबल। सम रिसोर्सेज आर लिमिटेड यानी कि क्या होते हैं? लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, फिर उनको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वी यूज दिस फ्यूल इन द एब्सोल्यूटली नेसेसरी, यानी कि जब बहुत ज्यादा नीड होती है तभी ऐसे का यूज करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है हमारा,
some resources are limited यानी कि exhaustible. Some natural resources are exhaustible कि वो limited होते हैं, ठीक है, limited में उनका use करना चाहिए. तो जब उनका use absolutely क्या हो, necessary हो, बहुत ज्यादा need है, तभी उनका यूज करना चाहिए. किस चीज के लिए? क्योंकि जो भी चीजें पोल्यूटिंग होंगी वो ग्लोबल वार्मिंग का भी काम करती हैं. अब जो चीज पोल्यूशन है, जैसे इन्वायरमेंट हमारा पूरा पोल्यूटेड है, तो वो कहाँ जा रहा है? ओजोन लेयर तक जा रहा है. दूसरी बात, वो ग्लोबल वार्मिंग का काम कर रहा है. तो लेस ग्लोबल वार्मिंग के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी हो, तभी ऐसे रिसोर्सेज का यूज करना है. फॉर लेस ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लीन इन्वायरमेंट, फॉर लेस ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लीन इन्वायरमेंट. एक तो ये फैक्ट हो गया. दूसरी बात क्या है, ये लॉन्गर टाइम तक चल सके तो इसीलिए इनका यूज बहुत कम करना चाहिए. फॉर लॉन्गर टाइम, ताकि ये लंबे समय तक चल सके. समझ आई बात? मैंने शुरू में बताया था कि कुछ रिसोर्सेज क्या होते हैं, एग्जॉस्टेबल होते हैं जो लिमिटेड होते हैं अर्थ पे, और कुछ क्या होते हैं अनएग्जॉस्टेबल जो कभी खत्म नहीं होते, अनलिमिटेड उनकी क्वांटिटी होती है. लेकिन सम आर लिमिटेड इन अमाउंट, कुछ अमाउंट में लिमिटेड होते हैं. तो जो रिसोर्सेज अमाउंट में लिमिटेड है उनको बचाओ किस तरीके से करना है. जब नेसेसरी यूज है, मतलब बहुत ज्यादा उसकी जरूरत है, एब्सोल्युटली नेसेसरी है, तभी उनका यूज करें. और उनको कम यूज करने से जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है वो भी कम होगा, और इन्वायरमेंट के अंदर जो पोल्यूशन है वो भी कम होगा, यानी कि लेस इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड फॉर लॉन्गर टाइम. और वो कब तक चलेंगे? लॉन्गर टाइम तक चलेंगे. समझ आ गई बात? अब नेक्स्ट इसने बोला, PCRA एक रिसर्च है ऑर्गेनाइजेशन हमारा इंडिया के अंदर, PCRA. PCRA, व्हाट डू यू मीन बाय PCRA? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एडवाइजेस. पेट्रोलियम कंजर्वेशन यानी कि बचाने के लिए रिसर्च एडवाइस, रिसर्च एडवाइस. इसने क्या टिप्स दिए हमें, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बचाने के लिए या पेट्रोल को? फर्स्ट इसने बोला कि जो ड्राइविंग है वो हमें कॉन्स्टेंट या फिर मॉडरेट स्पीड पे ही करनी चाहिए. कभी ज्यादा कभी कम करने से हमारा ज्यादा फ्यूल क्या होता है? वेस्ट होता है. तो ड्राइव एट कॉन्स्टेंट और मॉडरेट स्पीड. सेकेंड आएगा जो उसके टायर्स होते हैं, वो टायर्स क्या होने चाहिए? इंश्योर, यानी कि थोड़े अच्छी क्वालिटी के. अंडर प्रेशर जो उसका होता है टायर्स का, वो गुड क्वालिटी का हो. इंश्योर द टायर प्रेशर. इंश्योर द मेंटेनेंस, जो उसकी मेंटेनेंस है तुम्हारे व्हीकल की, वो टाइम टू टाइम रखनी चाहिए. इंश्योर सर्विसेज वगैरह, द मेंटेनेंस. एंड लास्ट पॉइंट इज स्टॉप द व्हीकल ऑन द ट्रैफिक लाइट. जो ट्रैफिक लाइट होती है वहां पे व्हीकल्स को क्या कर देना चाहिए? स्टॉप यानी कि स्विच ऑफ. स्विच ऑफ द व्हीकल एट ट्रैफिक लाइट. ट्रैफिक लाइट के टाइम पे व्हीकल्स को स्टॉप कर देना चाहिए. ठीक है, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. हमने पढ़ा कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में. कोल हमें कहाँ से मिला? जो फॉरेस्ट हमारे क्या हो गए? ब्यूरिड हो गए सॉइल के अंदर, नेचुरल प्रोसेस की वजह से वो सारे वहां दब गए अंडर प्रेशर एंड हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की वजह से वो कोल में कन्वर्ट हो गए. कोल ने कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट दिए? कोक दिया, तार कोल दिया, या जिसको कोल तार, और कोल गैस दी.
उसके बाद सेकंड नेचुरल रिसोर्स हमारा कौन सा आया, पेट्रोलियम, जो हमें मिला कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सी के अंदर जो लिविंग होते हैं वो क्या हो गए, आफ्टर डाइड, उनके मरने के बाद वो सेटल डाउन हो गए अंडर द सी, ठीक है, उससे जो बॉटम वाली लेयर होती है वहां पे वो कवर्ड विद सैंड एंड क्ले, सैंड एंड क्ले से आफ्टर मिलियन ईयर्स एब्सेंस ऑफ द एयर दे कन्वर्टेड इनटू किसके अंदर, पेट्रोलियम के अंदर और नेचुरल गैस के अंदर। फिर नेचुरल गैस जो होती है वो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्यूल होती है बिकॉज इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स, पाइप्स से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दूसरी बात, सीएनजी इज अंडर प्रेशर होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मिले उनके यूजेस वगैरह, कुछ रिसोर्सेज हमारे एग्जॉस्टिबल यानी कि लिमिटेड होते हैं अर्थ के अंदर, उनको बचाने के लिए क्या करना चाहिए और जो फ्यूल हम हमारे यूज करते हैं गाड़ियों में उसके लिए क्या क्या टिप्स अपनाने चाहिए। अंडरस्टूड, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड, सी यू अगेन।